नमस्कार, मैं प्रिया। आज 17 अगस्त, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की फरियाद। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन BPSM पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार में हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग दे सकता है बड़ी राहत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन BPSM पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन BPSM पटना ने IT प्रबंधक के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान, IT, MCA में BTEC, BE में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट bpsm.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में बदला औद्योगिक निवेश का स्वरूप। बिहार में औद्योगिक निवेश का स्वरूप बदलने लगा है। मखाना प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाई लगाने के प्रस्ताव अब आने लगे हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में बिहार में छोटे और मध्यम स्तर के जो पारंपरिक उद्योग लगाए जाते रहे हैं उनके प्रस्ताव उम्मीद से कम आ रहे हैं। इस साल 6 जुलाई को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में केवल एक फ्लावर मिल का प्रस्ताव विमर्श के लिए था, जबकि निवेश प्रोत्साहन परिषद के पास अलग अलग सेक्टर के लिए 79 प्रस्ताव स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए आए थे। अधिसंख्य प्रस्ताव एथेनॉल इकाई से संबंधित थे। मनरेगा लोकपाल की जल्द होगी बहाली। बिहार में जल्द ही मनरेगा लोकपाल की बहाली होने वाली है। ग्रामीण विकास विभाग के सरकारी सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कई जिलों में सालों से यह पद खाली पड़ा था। 6 महीने पहले ही राज्य सरकार ने बहाली की प्रक्रिया शुरू की है। फिलहाल 31 उम्मीदवारों को इसके योग्य पाया गया है, जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों की सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। हालांकि अभी आम लोगों की तरफ से आपत्तियां आना बाकी है। विभाग ने इस मुद्दे पर आम लोगों की राय भी मांगी है। अगर गंभीर आपत्तियां नहीं आई तो सूची में शामिल लोग मनरेगा के लोकपाल बहाल कर दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मनरेगा लोकपाल के लिए 342 आवेदन आए हैं। इनमें से 212 आवेदन विचार के लिए स्वीकार किए गए। मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की फरियाद। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजित जनता दरबार में खाद्य आपूर्ति, समाज कल्याण, कृषि, नगर विकास, लघु सिंचाई, पंचायती राज समेत अन्य विभागों की समस्या को सुना। इतना ही नहीं, सभी शिकायतों के निवारण के लिए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जहानाबाद के एक शख्स ने सीएम नीतीश से कहा था कि उत्पाद नीलामी में गाड़ी खरीदे, लेकिन उसका निबंधन नहीं हो रहा। महीनों से गाड़ी के निबंधन को लेकर विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं भभुआ से आए शख्स ने सीएम नीतीश से कहा कि भभुआ नगर परिषद में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिस पर सीएम नीतीश ने प्रधान सचिव को फोन किया और मामले की सुनवाई करने की बात कही। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर की कुंडली खंगालने में जुटे हैं विजिलेंस के अधिकारी। हाल ही में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर के घर निगरानी विभाग ने छापेमारी की थी, जिसके बाद इंजीनियर के पास से 1.43 करोड़ सिर्फ कैश बरामद हुए थे, जिसके बाद अब इंजीनियर की कुंडली खंगालने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत जल्द ही इस काम में विजिलेंस के अधिकारी खुद लगने वाले हैं, जिसके बाद रविन्द्र कुमार पर निगरानी की कार्रवाई के बाद निलंबन की तलवार लटकने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रविन्द्र कुमार पुल निर्माण निगम आने से पहले पथ निर्माण विभाग के वैशाली पथ प्रमंडल में बतौर कार्यपालक अभियंता तैनात थे। इसी साल 22 जून को उनकी सेवा कार्यपालक अभियंता समकक्ष पद पर पदस्थापना के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, पार्टी में ऑल इज वेल। इन दिनों जदयू पार्टी जातीय जनगणना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। जहां बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने और RCP सिंह के केंद्रीय मंत्री की कुर्सी थामने को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं इसी बीच RCP सिंह के बीते दिन राजधानी पटना आने के बाद शक्ति परीक्षण की चर्चा होने लगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह फालतू बात है। जदयू में क्या चीज शक्ति परीक्षण करेगा? कोई जदयू के अध्यक्ष बने तो उनका स्वागत हुआ, कोई केंद्रीय मंत्री बने तो उनका स्वागत हो रहा है। समाचार देखकर हमें हंसी आती है। जदयू में ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी के अंदर मतभेद है। कोई भ्रम में ना रहे, पार्टी में सब कुछ ठीक है। मंत्री जी ने कहा, शिक्षा मिथिला के DNA में है। मिथिला ने अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किए हैं। वहीं इसी बीच अब मिथिला को शिक्षा का हब बनाने की मांग उठने लगी है, और यह मांग की है राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल जैसे ग्रामीण अंचल में शिक्षा का अलख जगा रहा है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का भी आना शुरू हो गया है। शिक्षा मिथिला के DNA में है। यदि कोटा शिक्षा का हब बन सकता है तो मिथिला क्यों नहीं। अन्य उद्यमियों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मिथिला के उत्थान के बिना बिहार का विकास अधूरा है।
अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। बिहार में मॉनसून की ट्रफ लाइन का पश्चिमी भाग हिमालय की तराई में स्थित है और पूर्वी छोर गोरखपुर गया जमशेदपुर से होकर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर अग्रसर है। वहीं उत्तर आंध्र प्रदेश तट से दूर मॉनसून पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण अब पश्चिमी मध्य एवं उससे सटे पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व बिहार के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं उत्तर पश्चिमी भाग के सीतामढ़ी अररिया किशनगंज पूर्वी चंपारण के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश के आसार है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना गया नालंदा शेखपुरा नवादा बेगूसराय लखीसराय जहानाबाद के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 48 घंटे तक मौसम की यही स्थिति रहने वाली है। आज बिहारी पक्ष के स्पेशल में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका का जन्म आज ही के दिन 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनके पिता श्याम नंदन किशोर एक हिंदी कवि थे और उनकी कविता में पहले शिक्षक थे। अनामिका खुद को एक बहुत अकेली बच्ची के रूप में वर्णित करती हैं, जिसने एक विशाल घर में एक अलग जीवन व्यतीत किया। अनामिका एक समकालीन भारतीय कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदी में उपन्यासकार और अंग्रेजी में एक आलोचक लेखन है। उनके पास 8 कविता संग्रह, 5 उपन्यास और आलोचना के 4 काम है। वर्तमान में वो अंग्रेजी विभाग सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर हैं। 2020 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पटना में नकली हेलमेट का हो रहा है कारोबार। इन दिनों बिहार में एक बार फिर से सघन वाहन जांच अभियान की जा रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो पुलिस से बचने के लिए नकली ISI मार्क वाले सस्ते हेलमेट खरीदकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 1 जून से नया हेलमेट सुरक्षा कानून हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर मोटर व्हीकल्स 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत कम गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनना और बेचना कानूनी अपराध है। ऐसे में नकली हेलमेट का कारोबार करने वालों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पकड़े आने पर बिना ISI मार्क निम्न गुणवत्ता वाले हेलमेट बेचने और बनाने पर BIS एक्ट की धारा 17 के तहत 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पटना पहुंचे RCP सिंह ने सभी को बताया अपना। बीते दिन बतौर केंद्रीय मंत्री RCP सिंह पहली बार राजधानी पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर जदयू कार्यालय तक उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई थी। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से कार्यालय तक भव्य रोड शो का आयोजन भी किया गया था। हालांकि विपक्ष की तरफ से उनके इस भव्य स्वागत को शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया गया, जिसको लेकर RCP सिंह ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके तहत ETV भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि शक्ति प्रदर्शन क्या होता है। 6 तारीख को भी ललन सिंह के आगमन के दिन सभी पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे हम आए या ललन बाबू, सब पार्टी के साथ ही है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का हमारा लक्ष्य है, हम सब एक साथ हैं। बिजली बिल के उपभोक्ताओं को बिजली विभाग दे सकता है बड़ी राहत। इन दिनों बिजली विभाग के सर्वर में आ रही परेशानी के कारण आम लोगों को बिजली बिल का भुगतान करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग डर रहे थे कि कहीं उनके बिजली बिल के साथ साथ फाइन भी जमा न करना पड़ जाए। इसी बीच अब विभाग आम नागरिकों को बड़ी राहत दे सकता है, जिसके तहत जानकारों की माने तो तकनीकी समस्या आने के बाद अब इन उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। News18 की तरफ से प्रकाशित की गई खबर के अनुसार सर्वर में आई खराबी को देखते हुए बिजली कंपनी ने यह तय किया है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कंपनी ने मैनुअल बिल भी देना शुरू कर दिया है। SBI ने की ऑफर्स की बारिश। भारतीय स्टेट बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान अपने रिटेल कस्टमर के लिए कई ऑफर्स की घोषणा की है, जिसके तहत सभी चैनलों पर कार लोन लेने वाले ग्राहकों से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहकों को कार के लिए कुल लागत पर 90% तक कर्ज मिलेगा। इसके अलावा बैंक योनो ऐप के जरिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को 0.25% की विशेष ब्याज छूट देगा, जिसके तहत योनो के ग्राहक को 7.5% सालाना की शुरुआत दर पर कार ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा बैंक गोल्ड लोन ग्राहकों को 0.75% कम ब्याज की पेशकश कर रहा है। ये ग्राहक बैंक के सभी चैनलों से 7.5% की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण ले सकेंगे। बिहार में हुई PM गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत। बिहार में प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कर दी है। इसके प्रचार के लिए भाजपा ने झोला बांटने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत पहले चरण में पार्टी के विधायक और सांसद पूरे प्रदेश में 50 लाख झोला बांटेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की योजना केंद्र सरकार चला रही है, जिसके तहत ही भाजपा बिहार के लोगों को झोला बांटकर यह बताएगी कि उनके घरों में जो अनाज पहुंच रहा है वो PM मोदी की देन है। वहीं बीते दिन योजना की शुरुआत के साथ ही 150 लाभुकों को झोला में 5-5 किलो अनाज भरकर और साड़ी दिया गया।
शाही इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के उम्मीदवारों के लिए जारी हुआ नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञान और प्राविधिक विभाग बिहार के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020 के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी उम्मीदवारों द्वारा आयोग कार्यालय में भेजा जाना था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की हार्ड कॉपी आयोग के पास नहीं पहुंची थी। ऐसे में आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वो 31 अगस्त तक इस संबंध में हार्ड कॉपी संबंधित डाक या स्पीड पोस्ट की छाया प्रति के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी सहित आयोग कार्यालय पता संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना को भेजना सुनिश्चित करे। कैमूर जिले के तेलहर प्रपात में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तेलहरकुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। तेलहरकुंड चारों तरफ से हरा भरा दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। साल के हर समय झरने का पानी बेहद शीतल होता है। 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते इस झरने की खूबसूरती, चारों ओर की हरियाली, पंछियों की चुलचुलाहट और प्राकृतिक सुंदरता आने वाले पर्यटकों को मोहित कर लेती है। यह स्थान पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। इन दिनों बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में सभी नेता अपने अपने संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले में भी बाढ़ का कहर जारी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिसके कारण लोग अब छत पर रहने को मजबूर हो गए हैं, जिसके तहत ही बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे, जिसके तहत गिरिराज सिंह ने जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के छितनौर, खरमपुर, रामदेरी गांव सहित अन्य बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी समस्याएं सुनी और बताया कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ का हालात काफी भयावह हो गया है। गंडक नदी में फिर छोड़ा गया 1.56 लाख क्यूसेक पानी। पिछले तीन दिनों में गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज लेवल बढ़ने के कारण तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। बीते दिन नदी में पानी का डिस्चार्ज लेवल बढ़कर 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच जाने के बाद नदी में जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। इसी कारण नदी के निचले इलाके में बसे गाँव के लोगों के समक्ष समस्या बढ़ गई है। नदी के जलस्तर में उतार और चढ़ाव के कारण सारण तटबंध और छड़किया में कटाव की संभावना भी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नदी के जलस्तर में कमी और बढ़ोतरी के बावजूद तटबंध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। बिहार से बाहर निकलेगी मखाना की खेती। बिहार में हाल ही में इंटरनेशनल मखाना सेंटर की स्थापना की गई है, जो अब मखाना की खेती को विस्तार देगा। यानी कि अब मखाने की खेती को दुनिया भर के जलीय क्षेत्रों का अध्ययन कर मखाना की खेती का विस्तार देने के लिए संभावनाएं टटोली जाएंगी। साथ ही साथ नए बीज का अनुसंधान कर मखाना की दोहरी फसल लेने का काम किया जाएगा। इस बाबत इंटरनेशनल मखाना सेंटर के निदेशक सत्यजीत सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि मांग की तुलना में मखाने का उत्पादन बिहार में कम है। बिहार में साल 2006 में 4000 टन मखाने का उत्पादन किया गया था, जो फिलहाल बढ़कर 20000 टन पर है। वहीं समूचे भारत की बात करें तो अनुमान है कि अगर मखाना का विकास हुआ तो भारत में इसे 1 लाख टन और वैश्विक स्तर पर 5 लाख टन तक का बाजार मिल सकता है। बिहार के प्रधानाध्यापकों पर सूचना आयोग ने की कार्रवाई। बिहार के प्रधानाध्यापकों पर सूचना आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत लोक सूचना का अधिकार कानून की अर्जियों पर सूचना देने में लापरवाही दिखाने वाले 1.5 दर्जन प्रधानाध्यापकों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है, जिसके तहत आयोग ने 13 प्रधानाध्यापकों और 10,000 रुपए का आर्थिक दंड उन पर लगाया है, जबकि 5 प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है, जिसकी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश रॉय ने दी है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रशासनिक महकमों में सूचना मांगने संबंधी बातों की अनदेखी की जाती थी, साथ ही विद्यालयों में विकास कार्यों की मद में खर्च होने वाली राशि के बारे में जानकारी मांगे जाने पर प्रधानाध्यापक द्वारा डराया धमकाया जाता था और सूचना देने में इनकार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। भारत ने लॉर्ड्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। भले ही इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कुछ खास कारनामा नहीं किया हो, लेकिन गेंदबाजों ने जो किया वो काबिले तारीफ है। गेंदबाजी के बदौलत और गेंदबाजों की बल्लेबाजी के बदौलत टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रनों से हराया है। भारत ने 272 रन का टारगेट दिया था, जवाब में इंग्लिश टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए, वहीं शमी और बुमराह ने शानदार पारी खेली।
आरसीपी सिंह के आगमन की कुशवाहा को नहीं मिली आधिकारिक जानकारी। बीते दिन केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पटना आए थे। इस दौरान उनके आगमन पर जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पटना में मेरे सामने कई पोस्टर लगे हैं, मीडिया से भी जानकारी मिली है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जानकारी नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह के आने की उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को एकजुट बताते हुए कहा कि कुछ लोग घर में रहकर सिर्फ गलत कयास लगाते रहते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी 1947 को स्वदेश रवाना हुई थी। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आज के दिन 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। लोकपाल आंदोलन जेपी पार्क में अनशन जारी रखने की लिखित अनुमति मिलने तक अन्ना हजारे ने 2011 में रिहाई के बावजूद तिहाड़ में ही रहकर अनशन जारी रखा था। साहित्य जगत में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म 1916 को हुआ था। इसके साथ ही महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन 1949 को आज के दिन हुआ था। महान देशभक्त धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा का निधन 1909 में आज के दिन हुआ था। बदल जाएगा आपका ट्विटर अकाउंट। सभी ट्विटर यूजर के लिए अहम सूचना। ट्विटर जल्द ही अपने यूजर के लिए एप्लीकेशन में कई अहम बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत कंपनी ने घोषणा की है कि वो अपने वेब और मोबाइल ऐप में फॉन्ट और डिजाइन में बदलाव कर रही है। हालांकि बदलाव पहली बार में सूक्ष्म दिखाई दे सकता है। यह एक प्रमुख डिजाइन ओवरऑल है, क्योंकि ट्विटर ने उन थीम तत्वों को बदलने का फैसला किया है जो इसने यूजर को सालों से इस्तेमाल करने को दिया हुआ है। कंपनी अपने चिरप फॉन्ट को अपने ट्विटर ऐप और फीड में भी रोल आउट कर रही है, इसलिए अगर आप आज ट्विटर पर साइन इन करते हैं तो यह थोड़ा हटकर लग सकता है। सीतारमण ने रिटर्न भरने के पोर्टल की समस्या एक दो दिन में हल होने की कही बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन उन लोगों को राहत दी है जो लोग ऑनलाइन माध्यम से आयकर रिटर्न भर रहे हैं। ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया है कि ऑनलाइन रिटर्न भरने वालों की समस्या एक दो दिन में दूर हो जाएगी। जून में जब से पोर्टल को लॉन्च किया गया है तब से कुछ समस्याएं आई थी और उसके बाद इस पोर्टल के संचालन को करने वाली कंपनी इन्फोसिस से संपर्क कर इसे दूर करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही राजस्व सचिव साप्ताहिक आधार पर निगरानी कर रहे हैं और इस संबंध में इन्फोसिस के नंदन निलेकनी ने भी प्रस्तुति दी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,520 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,740 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.51 रुपए प्रति लीटर थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, राजेश कुमार, अखिलेश यादव, विजय कुमार, मनीषा कुमारी, शंकर मुखिया, भावेश कुमार, मुन्ना कुमार, रामदेव शेखर, रामू कुमार, चेतन कुमार, पब्लिक ऑफिशियल, पंकज कुमार, प्रमोद राम, त्रिपुरारी शर्मा, प्रदीप कुमार, विकास प्रजापति। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में किस उद्योग को बढ़ावा देने की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।